सो हे गाइस, आज सेकंड डे है रनोल में। तो अभी क्या हुआ है, जस्ट मैंने वीडियो अपलोड की है, यहाँ पे नेट इतना गंदा है, इतना स्लो चलता है एयरटेल की सिम पे कि मुझे 2 घंटे लग गए वीडियो अपलोड करते करते। 2 घंटे के बाद वीडियो अपलोड हुई है, ठीक है। सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये वीडियो व्लॉग वॉच कर रहे हैं। सो कुछ शाम को कुछ प्रोग्राम हुआ था, वो मैंने रिकॉर्ड किया है, तो इसके बाद मैं उसको ऐड कर लूँगा, ठीक है। और जो पहला व्लॉग है वो मैंने अपलोड कर लिया है, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा ये वीडियो। अब आइडिया नहीं है मुझे कब मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क बहुत ख़राब है और स्नोफॉल बहुत तेज़ी के साथ लग रही है, ठीक है। आज सेकंड डे है, आज भी बहुत ज़्यादा स्नोफॉल लग रही है, ठीक है। तो जो ये वाला व्लॉग है, ये मैं पता नहीं दूसरे दिन 8 तारीख है, आज 8 तारीख का व्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ, और जो कल का होगा वो 9 तारीख का व्लॉग होगा, वो पता नहीं अब मैं कब मैं अपलोड करूँगा, जब भी होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। सो व्लॉग को वॉच करो आगे तक, अभी ठंड लग रही है और स्नोफॉल बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और वीडियो अपलोड हो चुकी है फाइनली 2 घंटे के बाद। मैं 9 बजे आया था और अभी 10:30 हो रहे हैं, वो भी मैं गाँव से काफ़ी दूर आया था, गाँव अभी वहाँ पर है पार, ठीक है, वहाँ पर सॉरी इस साइड है। तो अभी मैं यहाँ पर वीडियो व्लॉग अपलोड करने आया था काफ़ी दूर, तो अपलोड करके अब मैं फटाफट से वापस जा रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं, बने रहो व्लॉग में स्नोफॉल। सो गाइज, अभी आप यहाँ पर देख सकते हो घंटू महाराज स्वागत के लिए जा रहे हैं, जो भी बाहर से यहाँ पे महाराज आए हुए हैं उनके स्वागत के लिए गेट तक घंटू महाराज जा रहे हैं। सो गाइज, आप सामने यहाँ पे मंडल देख सकते हो, अभी तीनों महाराज आएंगे और जितने भी यहाँ पे महाराज आए हुए हैं बाहर से, वो इस मंडल के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। और कहा जाता है कि 30 साल पहले जब शांत हुई थी तो यहाँ पर तीनों महाराज के बीच प्रतियोगिता की गई थी कि जो सबसे पहले मंडल को छुएगा वो विजय होगा। तो आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। जो भी महाराज आ रहे हैं आप देख सकते हो इस मंडल का वो चक्कर लगा रहे हैं। काफ़ी सारे लोग गाइस मंडल के पास पहुंच चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर, और महाराज का कुछ लेके आए हैं ये सभी लोग, आप देख सकते हो हाथों में, ठीक है। तो थोड़ी देर में महाराज भी पहुंचने वाले हैं, तो वीडियो को वहाँ से कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली गाइस, काफ़ी वेट के बाद आप देख सकते हो तीनों ही महाराज यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो अब जाके तीनों ही महाराज मंडल को टच करेंगे, अब देखते हैं कि कौन सबसे पहले मंडल को टच करता है। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से वॉच कीजिएगा।
सो गाइस पीछे आपने देखा अभी महाराजों ने मंडल छुआ और अभी चाचा 11 यहाँ पे एंजॉय करते हैं स्नोफॉल को और आज शिखा फेयर भी होने वाला है मंदिर का, तो इसके बाद चलते हैं मंदिर और दिखाते हैं आपको शिखा फेयर मंदिर का। सो गाइस आप देख सकते हो पीछे काफी सारे लोग हैं यहाँ पे, इस साइड को देखो, इस साइड को देखो और ऊपर से स्नोफॉल पड़ रही है। बाकी महाराज अभी गांव का फेरा कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि पहले गांव का होता है, उसके बाद जाके मंदिर के ऊपर जाते हैं, फिर जाके होता है। तो जब मंदिर बता रहे 30,000 के समथिंग लोग आने वाले, तो काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए चारों साइड से, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सो देखते हैं आगे का क्या प्रोग्राम रहता है, जो भी होगा मैं रिकॉर्ड करके साथ। ये वाले लोग आप देख सकते हो सामने, जो ये लोग हैं काफ़ी मज़े कर रहे हैं, साथ में सॉन्ग गा रहे हैं, साथ में तलवारें चक्के, मतलब काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं सभी के सभी यहाँ पे। वैसे तो सभी के सभी इंजॉय कर रहे हैं इधर भी इधर भी, ठीक है। सो ये है सेकेंड डे इन रनोल। ये खंटू महाराज का मंदिर मुझे कल पता नहीं था, तो ये खंटू महाराज का मंदिर है, ठीक है। और आपने सुबह की वीडियो में देखा भी होगा गाइस, मैंने सुबह की वीडियो में ऐड किया था। सो गाइस एक अंकल जी हमारे साथ, अंकल जी आपका नाम? रशपाल कुकवान। अच्छा रशपाल कुकवान जी, तो मतलब ये कितने साल के बाद? 30 साल। ये हमारी 30 साल के बाद माया के साथ होने जा रहा है। अच्छा इससे पहले कब हुई थी ये? इसी डेट को हमारे 7-8-9 जनवरी 1990 को। 1990 को शायद उस टाइम तो हम पैदा नहीं होंगे। चलो अब इस बात पर, और मतलब इसका वो क्या रहता है, मेन मकसद किस वजह से की जाती है? ये इस वजह से की जाती है, जैसे मैंने पहले यूट्यूब पर बताया, जैसे हमारे देवी देवता जो लोग होते हैं, जो हमारे काली वगैरह जो है पार्वती जी देवभूमि हिमाचल में, उनकी स्थापना की जाती है, उनके लिए यज्ञ किया जाता है, उसमें जो सारे आवतियाँ पड़ती है, सब देवते जो बैठते हैं, जैसे महाराज देवता खंटू के विदार के हैं, वो 2 तारीख से बैठे हैं, उनके लिए आवतियाँ डाल रहे हैं। और एक यहाँ पे बावड़ी है, और कहा जाता है जब ये तीनों महाराज जो तीन भाई है वो इकट्ठे यहाँ पे नहीं मिलते? नहीं इकट्ठे नहीं मिलते। मैंने कहा दोस्तों आपको एक बावड़ी दिखाई थी यहाँ पर सामने, जहाँ पे बताया था मैंने कि अगर तीन महाराज इकट्ठे मिलते तो वो क्या कहते हैं पानी है ये बॉयल हो जाता है, तो अभी कुछ बताया ये किस वजह से बॉयल होता है? ये बॉयल जैसे आपने की देवता महाराजों की बात, तीनों भाई ये हमने सामूहिक रूप से तो नहीं देखा, सुनाई है हमारे। अच्छा मतलब ये है आगे पहले समय से चल रहा है बुजुर्गों से। टाइम पे प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, पीछे देख सकते हो बहुत भीड़ में स्नोफॉल हो रही है, ठीक है। तो अभी सभी लोग स्नोफॉल का एंजॉय कर रहे हैं, आप सभी देख भी सकते हो, सभी की छातों पर कम से कम 1-1 इंच स्नोफॉल है इस टाइम पे, आप देख सकते हो सभी की छातों पर। बाकी कुछ लोग सॉन्ग लगाकर एंजॉय कर रहे हैं। सो अभी देवता महाराज गांव का चक्कर लगा के कुछ ही टाइम में यहाँ पे पहुँचने वाले, जैसे ही पहुँचते हैं उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। ओके ये अपने धाटा अंकल हमें यहाँ पे मिले। हेलो अंकल, कैसा मजा आ रहा है? हाँ बर्फ़ का एंजॉय ले रहे हैं सभी के सभी यहाँ पे। तो अभी आ रहे हैं महाराज थोड़ा चक्कर लगा के, हम थोड़े जल्दी तो नहीं, थोड़ा टाइम लेट हो रहा है। हाँ थोड़ा टाइम लगा था कम्प्लीट हो। यहाँ पे महाराज पहुँच गए, आई होप मुझे पता नहीं वॉइस क्वालिटी कैसी आ रही होगी, आई होप अच्छी आ रही होगी। पूरे गांव का दौरा करने के बाद महाराज पहुँच चुके हैं।
सो गाइस आप सभी देख सकते हो इस टाइम पर रनोल मंदिर के खंडू महाराज के छत पे आ चुके हैं यहाँ पे। सो वेट करते हैं थोड़ा सा और। इसके ऊपर जाएंगे अभी ऊपर यहाँ बनने का बड़ा जाने 20 घंटा है। देख सकते हो गाइस इस टाइम घुटने घुटने तक बर्फ है, उन सभी के घुटने देखो बर्फ के बीच दब चुके हैं प्रॉपर तरीके से। और महाराज की कृपा ऐसी है, साथ में स्नोफॉल भी उतनी तेजी से पड़ रही है। जितने देवता है सबके जाएंगे मालिक ऊपर मालिक सबके जाते हैं। गुलाब मेन बात ये ना जाने की बात नहीं ऊपर से सुना ली यो अपने वाली भैया ऊपर से ना करो ऊपर से ना करो और भी कुछ होता है ना संसार में जा रहा है अरे ये जो सब ऊपर वाले का कुछ नहीं नहीं ये अरे कोई बदल लगता है निकले बाहर भी ले जाओ बाहर को डाल नहीं नहीं अंदर यार नहीं बाहर को डाल यार हां तू ले आ जा बस बिल्कुल बात तो चल रही है ले ये रोड़े ये तो काम कर रहा है ये नहीं हो मत ही नहीं तो हां
अबे तू दो कूटी मत बड़ी करे ओ दम लाली जाई अबे ये वामा थे पकड़ बना बाकी बने बाकी के बाकी ये पकड़ के सूत्री आ ना ये देख ये मोरोरिया का कटी मत ये का क्या बोलियो बोल कट करो ओ रोल रोल नहीं कट रहा है ना 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 भाई वो ना यार ये तुझे से तो अरे लाम कोई का अरे ये तो पकड़ दो पकड़ो रे बोलो ये ना ये ना भाई पकड़ो भाई पकड़ो ले पकड़ो सी पकड़ रहे सी पकड़ ले मेरे साथ लगा रहे सी ये या ये पर ना तेरा सही ये देखो जाए हां ये सारे काम है बोलो कैमरे ने बनाओ कैमरे लगाओ तो दम दे यो तो निजुत है ये पकड़ा हुआ यो लगा हुआ यो तो निजुत है दे दे अच्छा वाह ऐसा लगा कि देखो अरे नहीं नहीं कटी रहा काट दिया मत तो बोल जल्दी वापस 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 ये तो देखो यार मोसा लता नहीं चार तीन फोटो अरे तू रात का दिन ने दबो दे थोड़ा बात कर दिया फटा हां इधर आयो तो यो पाना डर को आलो मां इधर बात कर छोटे ना चलो दिन जा मत बात दिन की है हम दिन बात मान सा सा कर लियो हरिया में किएगा चलो पर तो देखो अभी तीन है बैठे हो ये मालिक तीन मैं ऊपर से बड़ी ये अभी लो मालिक हाँ तो इनको करना पड़ेगा देखना पड़ेगा ठीक है वाली है सो गाइस इस टाइम में कुछ बुजुर्ग है गांव के यहाँ पे काफी सारे लोग हमारे बीच है तो इनसे भी कुछ हम पूछने जा रहे हैं। आपने देखा इससे पहले काफी अच्छे तरीके से मंदिर के ऊपर बहुत कुछ प्रोग्राम हुआ, महाराज ने गांव का चक्कर लगाया और पिछले कल मंडल कहते हैं उसको, हाँ मंडल को छुआ, ठीक है। तो हाँ तो यहाँ पे हम कुछ लोगों से पूछते हैं, काफी सारे लोग हमारे बीच, टाइम के बाद ये शांत होती है, ये हर 29 साल के बाद होती है, ऐसा कुछ नहीं है, 40 साल के बाद ही होती है, 30 साल के बाद ही होती है, महाराज की जो आदेश के आदेश के अनुसार जब भी समय होगा, जब भी जगह पूजन का होगा, 20 साल में हो सकती है, 25 साल। और जो इससे पहले शांत हुई थी बता रहे हैं, मैंने काफी सारे लोगों से पूछा, शायद 1990 की 90 में बता रहे या फिर ऐसे कुछ बता रहे हैं, तो उस टाइम आपने देखी थी ये शांत देखी थी हमने, और उस टाइम इसी तरह मौसम था, इस बार इंद्रदेव जी भी महायज्ञ के लिए बहुत खुश। और क्या लगता है आपको इस टाइम कितने लोग हो गए यहाँ पे जितने आपको दिख रहे हैं, परे को है नीचे को, कि आईडिया से कितने लोग बता रहे हैं 30,000 लोग हो गए, तो कितने हो गए लगभग? 20 से 25 हजार लोग आप सुन सकते हो उनसे कि 20 से 25 हजार लोग इस टाइम यहाँ पर है, लोग अंदर बर्फ की वजह से मकानों में है ना, हाँ, और बर्फ की वजह से लगता है कि इस टाइम यहाँ पे और भी ज्यादा लोग हो सकते थे अगर मौसम साफ होता, साफ होता तो अनुमानित 50,000 से ऊपर होने से 50,000 ऊपर, हाँ 50,000 तक यहाँ पे लोग हो सकते हैं। लोग कब तक होगी कुछ पता है? महाराज का जब आदेश होगा लगता है अभी 2020 है इस टाइम, शायद 30
सालों के बाद 2050 भी हो सकती है, और जब भी मतलब महाराज का हुक्म होगा उसके मुताबिक होगी। ठीक है, थैंक्स टू।